आदर और सम्मान के योग्य इनकी सूची दे देना। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यशस्वी तेजस्वी कर्मठ लगनशील माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी, मंच पर आसीन सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण, आदर और सम्मान के योग्य पत्रकार बंधुओं, मेरे साथ आए हुए बिजनौर से मेरे सभी कर्मठ साथियों, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेतागण, आज मेरा सौभाग्य है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं, सम्मिलित हो रहा हूं। बधाई देना चाहता हूं मैं अपने नेता यादव जी को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं। और बधाई देना चाहता हूं मैं आदरणीय गंगाराम जी को, गंगाराम जी ने भी विशेष सहयोग मेरा किया। और साथ ही बधाई देना चाहता हूं भाई संसार सिंह जी को, जो निरंतर रोजाना 2-3 बार जो है गंगाराम जी से बात करते रहे। और बधाई देना चाहता हूं मैं अपने सभी साथियों को जो मेरे साथ आए हैं। वास्तव में आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी मेरा परिवार है। जब मुझे माननीय मुलायम सिंह यादव ने बुला करके जिले का अध्यक्ष बनाया था, उस टाइम फिर मैंने जो है काम किया और पूरी मेहनत की, पार्टी को खड़ा किया। वहां पर मेरा टिकट कट गया। माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मेरी बेबसी है, चौधरी अजीत सिंह महेंद्र सिंह टिकट जो है नहीं मान रहे हैं, उस समय गठबंधन था। मैंने कहा था नेताजी को, मैं नेताजी आपकी बेबसी हो सकती है लेकिन मेरी बेबसी नहीं होगी, मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा और आपके साथ आकर के काम करूंगा। और मैंने आकर के माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जीत करके काम किया है। नेताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आगरा जेल में मैं जब बंदी था, माननीय मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी ने मुझे जेल में डाला था, 10 मुकदमे लगाए थे मेरे खिलाफ, 1-1.5 घंटा मेरे पास रह करके मुझे सांत्वना दी थी। तो मेरा परिवार का संबंध है और वो परिवार का संबंध मैं कहीं भी रहा हूं निश्चित रूप से मेरे मन में बना रहा है और बना रहेगा। सो के शहादत, शहादत के दीवानों से मैं पूछूंगा, अरे सो के शहादत, शहादत के दीवानों से मैं पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना में बेदारों से पूछूंगा, ए मीनारों तुम्हारी बुलंदी कुछ भी नहीं, मैं माननीय अखिलेश यादव का पता चांद और सितारों से पूछूंगा, चांद और सितारों से। आदरणीय मेरे सभी भाइयों, मैं उस बात को याद दिलाना चाहता हूं जिस समय भारत माता के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हुई थी और वो कर रहा करके कह रही थी कि है कोई माई का लाल जो मेरे पैरों में गुलामी की पड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ सके। भारत माता की आवाज को सुनकर के मेरे देश के वीरों ने, क्रांतिकारी वीरों ने, बलिदानियों ने उसकी आवाज को सुना। किसी ने फांसी के फंदों को चूम करके, किसी ने फांसी खा करके, किसी ने लाठियों का सिर पर वार सह करके और किसी ने अपनी गोद खाली करके भारत माता की पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया। और प्रयास ही नहीं किया बल्कि तोड़ा। उस समय न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई ईसाई था, न सिख था, कोई भावना नहीं थी उनके अंदर, जात पात की कोई भावना नहीं थी, ऊंच नीच की कोई भावना नहीं थी। अगर भावना थी तो एक ही भावना थी कि भारत माता को आजाद कराना है। तो उस समय मेरे देश के वीरों ने
अपनी सारी जातियों को छोड़ करके बलिदान दिए, बलिदान दे करके हमें आजादी दिलाई। और उस आजादी को अब जो है कुछ लोग, कुछ पार्टियां मटियामेट करना चाहती हैं। हमारी जो अमानत है, हमारी जो धरोहर है देश की, जो हमारा एक मेलजोल का स्वभाव है, भाईचारे की भावना है, उसको तोड़ना चाहती है। केवल और केवल मात्र माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो सच्चे माली हैं बाग के। बाग जो होता है, चमन जो होता है, वो चमन जो है सब प्रकार के फूलों से बनता है, सब प्रकार के पेड़ों से बनता है। अगर उसमें से किसी भी फूल को निकाल दिया जाए, किसी भी पेड़ को निकाल दिया जाए, तो चमन नहीं कहलाता है। अखिलेश यादव जी उस चमन के सच्चे माली हैं। हम पूर्ण विश्वास करते हैं उनके नेतृत्व में, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से जो हम इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं नेताजी से निवेदन करना चाहता हूं अखिलेश जी से कि हम पार्टी में आकर के जो है केवल जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। हम हमें काम दीजिए, हम खाली बैठने वाले नहीं हैं, हम खाली नहीं बैठ सकते, इसलिए हमें काम दीजिए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और हम आपको जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करके दिखाएंगे। तूने गर्दी से दौरा हमें समझा क्या है, हमने तो तूफानों के भी रुखसार बदल डाले हैं। जिस दौर को चाह है बदल डाला है, और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। मैं पुनः माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास करता हूँ, पूर्ण विश्वास करता हूँ, और वादा करता हूँ कि मैं इस पार्टी को बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन लुटा दूंगा। अपने शरीर में एक एक सांस जब तक रहेगा, एक बूंद खून की रहेगी, इस पार्टी का काम करने के लिए मैं अग्रसर रहूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा।